मैं जब कंप्लीट किया अपना ये फ्लूट जो पॉलिशिंग कर रहा था या इसको घिस रहा था, तो घिसने के बाद इसको थोड़ा धूप में रख दिया मैंने, ठीक है, इसको सुखाने के लिए और इसका शाइन जो है लाने के लिए। तो अभी क्या है, इसको ऐसे अब अगर घिसते हो, ठीक है, घिसने के बाद ये जब आप धूप में रखते हो तो इसमें इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जो बहुत ही हीट होता है ये, ठीक है। अब पॉलिशिंग करने के पहले आपको इसको धूप में सुखाना भी पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पॉलिशिंग बहुत ही अच्छा होता है। और तो मैं तो यहाँ पर कुछ केमिकल यूज़ नहीं करूँगा। नॉर्मली मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ये सूखने के बाद, ठीक है, टोटली ये जो है गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद, अभी काफ़ी हीट हो गया है क्योंकि अभी नॉर्मल टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई है, तो ये सूखने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे। तो उसके ऊपर एक वीडियो मेरा ऑलरेडी है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो कि इसके ऊपर ऑयलिंग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो इस वजह से बनाया कि ये जो बहुत लेंदी वीडियो मैं बनाता हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ और उसके अंदर ही सारे चीज़ों का जिक्र ले आऊँ। तो ये जो है इसके और भी एक रीज़न से ये बनाया हूँ कि ये जो फ्लूट अगर आपको अच्छा लगता है तो ये फ्लूट का मेज़रमेंट जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो मेरा चैनल में है, तो आप जाके वो भी ले सकते हो। और साउंड के वजह बारे में आप अगर जानना चाहते हो कि इसका साउंड कैसा हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मेरे बनाया हुआ है, तो आप वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो का मेन मोटिव यही था कि उन वीडियो तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो मैं बहुत कोशिश करता हूं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, तो वो आपको ठीक से नहीं मिलता है, तो ये एक ज़रिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़रूर जाना आना जो दोस्तों, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।